हेलो फ्रेंड्स, मैंगो सीरीज़ की आज की रेसिपी होने वाली है मैंगो शेक की। मेरे लिए तो मैंगो शेक जितना पीने में अच्छा होना चाहिए उतना उसे खाने में भी मज़ा आना चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं मेरी फेवरेट रेसिपी मैंगो शेक की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये लगभग 200 ग्राम का एक आम। इसे अच्छे से धुल लिया है और इसे अब हम पीसेज में कट कर लेंगे। तो आप जैसे चाहें वैसे इसे कट कर लें। यहाँ पर सारे पल्प को गुठली से अलग कर लेंगे। यहाँ पे हर तरफ से मैंने पल्प को निकाल लिया है और सबको एक इवन पीसेज में मैंने कट कर लिया है। अब इस सारे पल्प को हम डालेंगे एक मिक्सिंग जार में और उसके बाद इसमें डाल दिया है यहाँ पे 4 चम्मच चीनी और लगभग 400 ml दूध का डाल दिया है। इस रेसिपी से टोटल 4 ग्लास मैंगो शेक बनके तैयार होगा। यहीं पे आप चाहें तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं, पर दूध ऑलरेडी बहुत ठंडा था तो मैंने इसमें आइस नहीं डाले हैं। फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम डालने से टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास वनीला आइसक्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस डाल सकते हैं। बस सबको अच्छे से मिलाने के बाद एकदम बढ़िया सा मिल्क शेक बनके तैयार हो जाएगा। इसे ग्लास में पोर करेंगे और असली काम अब शुरू होता है। इसे जितना ज़्यादा रिच बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसे खाने में। तो ऊपर से फिर से डाल दिया है इसमें 1 चम्मच वनीला आइसक्रीम का। उसके बाद से इसमें कटे हुए डाल दिए हैं काजू, पिस्ता। इसके अलावा आप और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डाल दिया है इस पर टूटी फ्रूटी। और बस इसे अब जितना मज़ा पीने में आने वाला है उतना ही मज़ा खाने में भी आएगा। और बस ठंडा ठंडा इसे इंजॉय करें। मैंगो शेक या कोई और भी शेक बनाने में दूध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दूध आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचनेस बढ़ाने के लिए किसी भी शेक में फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ करें। इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बस तैयार है मज़ेदार सा मैंगो शेक। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आ ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।